एक समय की बात है जब सृष्टि से जल का अस्तित्व खत्म हो गया था, जिससे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई और जीवन का अंत होने लगा। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ऋषिगण तथा देवता मिलकर भगवान शिव जी के शरण में गए और शिव से प्रार्थना करते हुए बोले, नाथों के नाथ, आदिनाथ, अब इस समस्या से आप ही बाहर निकाल सकते हैं, जिससे सृष्टि में फिर से जल का अस्तित्व बन सके। देवों की विनती सुनकर भोलेनाथ ने 11 रुद्रों को बुलाकर पूछा कि आप में से कोई ऐसा है जो सृष्टि में पुनः जल तत्व प्रदान कर सके। 10 रुद्रों ने इस बात से इनकार कर दिया, लेकिन 11वां रुद्र, जिनका नाम था हर, उन्होंने कहा, मेरे करतल में जल तत्व का पूरा निवास है, मैं सृष्टि को पुनः जल प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना पड़ेगा, जिसके बाद इस सृष्टि से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। तब भगवान शिव ने हर रूपी रुद्र को वरदान दिया और कहा कि इस रुद्र रूपी शरीर के गलने के बाद तुम्हें एक नया शरीर और नया नाम प्राप्त होगा और मैं संपूर्ण रूप से तुम्हारे उस नए तन में निवास करूंगा जो कि सृष्टि के कल्याण हेतु होगा। इसके बाद हर नामक रुद्र ने अपना शरीर गलाकर सृष्टि को जल प्रदान किया और उसी जल से एक महाबली वानर की उत्पत्ति हुई, जिसे हम हनुमान जी के नाम से जानते हैं। ये घटना सतयुग के चौथे चरण में घटी। तब शिव जी ने हनुमान जी को राम नाम का रसायन प्रदान किया, जिसके बाद से हनुमान ने राम नाम का जाप प्रारंभ किया तथा त्रेता युग में अंजना और केसरी के यहाँ पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।